मोबाइल मोबाइल नहीं सच्ची में मेरे ऐसा स्टार्टिंग से मेरी ज़िंदगी में बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो गई नहीं क्या तो मतलब ये भी पहले तो बहुत एक्सट्रीम लेवल का मतलब फटे से नहीं क्या अनएक्सपेक्टेड था तो पर ऐसा सीन था कि मोहम्मद एक तो तू जितना मांगता एक तो मैं जितना मांगता हम लोग अपने घर में सोच डाल लेते नहीं क्या घर में बिठा देते थे आपको नहीं लगता जैसे आप जीते हैं वैसे ही आम लोगों का प्यार भी जीत गया है जो आपके साथ एक आम भारतीय होता है जैसे हिंदी बोलना पसंद आता है और उस बात की उस इमोशन की जीत देखने का तो बहुत बहुत कुछ चीजों की जीत हो गई आप कम्युनिटी की कुछ ऐसी चीजें रहेंगी जो ऐसे लोगों को नहीं पसंद आएगी क्या मानो एक मालूम नहीं किया क्या पसंद आया जो भी आप लोग का प्यार है बहुत भलता क्वेश्चन है एक लवर नाला मेरा बहुत भलता विषय था मतलब नहीं कि स्टार्टिंग में मेरा बहुत एड वगैरह था कि नहीं कि स्टार्टिंग में मैं ऐसे थे कि डे वन पे नहीं सब लोग उठ के नाच रहे हैं मैं ऐसे था क्या रही क्या विषय मेरे को लगा रूल है नहीं क्या वो तो फिर मैं बोला यार मेरे को बहुत अलग फील हो रहा नहीं क्या ब्रो इधर डे वन से बहुत अलग फील हो रहा है एक साइंस सर नहीं क्या आपने साइंस सर शिव भाई ये लोग अब भी लोग नहीं फिर मेरे दिल लगने लगा थोड़ा थोड़ा पर मेरे को समझने का नहीं क्या क्या चालू है क्या नहीं पर कि मतलब एंडिंग में आके समझा घर पे जाने का था कॉन्ट्रैक्ट का विषय था ना कहीं जाने दिए कम मैं बोला उम्मीद ही छोड़ डालता था अभी नहीं कि जीतन तक जा रहे हो अलग चीज पे आधार था और अपना भाई बहुत नहीं मन में को ऐसा लगता वो डिजर्व करते कम मात्रा में ज्यादा मात्रा में वोट्स के वजह से शॉर्ट हो गया कि भाई मैं भी कुछ नहीं कर सकता ना लाला क्योंकि उनका कितने कहा कि अगर स्टैंड प्रॉफिट डिजर्व करता है तो मैं भी रियल था मैं भी डिजर्व करता हां वो तो सब करते ना वैसे देखने के मतलब 16 के 16 लोग कर रहे थे मेरे 16 ट्रॉफी थोड़ी बड़ी ली स्टैंड ये जीत आपको इंडियन को कहां लेके जाएगा ये जीत आपको इंडियन हिप हॉप का सिंह तक लेके जाएगा हिप हॉप कल्चर को लोग किस तरह बाहर बहुत लोग क्या मतलब बहुत लोग के कंधे पे नहीं क्या हिप हॉप ऐसा नहीं आशा भाई अरे यार उनके भी बहुत कंधे पे लेकिन क्या मन जितना मेरे से पहला ना हो रहा भाई मतलब नहीं कि आपने स्लैंग में बोलते नहीं कि आपने वाली पब्लिक को कनेक्ट करके नॉर्मल लोग को कनेक्ट करके जितना भी मैं फैला सकता पहले शो में भी मतलब मैं वो मोटो से ना आया था मम्मा आपने घर में क्या
मतलब सिर्फ बात कर रहे थे चार महीने बोला है, बात ही करा महीने भी बोला है, जो उड़ती उड़ती तीन ले रहे तो उड़ती उड़ती बात ही करते हैं। आप अपने से काफी हद तक लड़े उस घर में, आपको लगा बिग बॉस के गेम को कैसे डिस्क्राइब करोगे, क्योंकि आप काफी स्ट्रांग थे बट आपकी इमोशनल, आप इमोशनल साइड आपका ज्यादा दिखा था बिग बॉस के गेम में, उसको कैसे डिस्क्राइब करोगे आप? मालूम नहीं एक टाइम पे अपन आते नहीं क्या, मतलब हंसी बिसी निकलने का बंद हो जाता नहीं क्या, अपन पेनलेस हो जाते हैं, नम हो जाते हैं दिन पे दिन, मेरे थोड़े फिक्स पे फिक्स नहीं थोड़ा हमारे शॉट होते बात समझ समझ में आके लेकिन जाके, लेकिन हल्का विषय है। मंडली को लेकर क्या क्या कुछ विचारधारा है आपके आगे, किस तरह से कुछ मंडली को लेकर कोई गाना आएगा या फिर कुछ ऐसा आपके तरफ से कुछ प्रोजेक्ट आने वाला है आगे चल के? साजिद भाई भी है, अब्दू है, आपको सामने देख रहे टिकली कैमरा है वो, बोला बोला मेरा सवाल ये था, एक तो सवाल कंप्लीट हो गया वो मराठी मध्ये, एक एक सवाल मराठी मध्ये बोला अच्छा स्टैंड मध्ये बोलला अच्छा, मुंबई भी हिंदी मात्र भाषा उसके साथ में मराठी, सन्ना माइक का आवश्यक काय नाही पुणे कर काय सवाल है एमसी रैप आपके तरफ से बोलने के बोलो नको नको हाउ इज द फीलिंग उधर स्टेज पे तो ऐसा हो गया था क्या करूँ क्या नहीं हो गया था नहीं क्या, रो क्या हंसे हो गया था नहीं क्या, मम्मी का रिएक्शन क्या है जैसे कि आप विनर घोषित हो चुके हैं, यू आर द विनर, लेकिन जैसे कि दूसरे कंटेस्टेंट है प्रियंका विशुद्ध खाते वो एक बड़े फेस थे, लेकिन आपको डिजर्व करा दिया आपके फैंस ने आपको जिताया, तो कलर्स और सलमान सर के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? वाह क्या बात है, जो क्लास लेने के ना भाई वो हक वाली क्लास लेने क्या, जिसको समझो उसको समझा का भाई, टीम ने भी बहुत डिजर्विंग है क्या मालूम भाई लोग, अभी बताओ तुम लोग ही डिजर्व करते हैं, आपको नहीं लगता इस बार बिग बॉस मंडली के फेवर में डिसीजन लिए है? किसी को ब्लॉक कर भी कर किसी से बात नहीं ना, फिर शॉपिंग में जाओ हां, किसी से बात ना करना चाहे ऐसा कुछ है ब्लॉक कर लेंगे, ऐसे तो कुछ नहीं है, लेकिन मेरा किसी में मंडली से कांटेक्ट में रहना चाहूंगा नहीं क्या, बस वो कहने के अभी हमारे नवे नवे चेहरे दिख रहे हो अच्छा लग रहा है थोड़ा, स्टैंड बिग बॉस की पूरी जर्नी से आपने क्या सीखा है, बिग बॉस की पूरी जर्नी से आपने क्या सीखा है प्लीज आंसर देने दो, क्या सीखा पूरी जर्नी से आपने क्या सीखा?